नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल भद्राचार्य अपने चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। अभी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की जो सीरीज़ चल रही है उसका नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मंगुराहा रेंज है उसका, उसकी सफारी हम कर रहे थे। उसमें एक पार्ट मैंने डाल दिया है और दूसरा पार्ट जो है वो नाइट सफारी का है और काफ़ी एक्साइटमेंट वाला वीडियो है। काफ़ी डर भी लगा मुझे, अंधेरा काफ़ी घिर चुका था और जहाँ पे मैनिटस की छाया हो वो पूरा इलाका ही ह्यूमन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट का है, तो कहीं ना कहीं जो टाइगर हैं वो काफ़ी ख़तरनाक हैं। तो उस जंगल में रात का सफारी, एक तरह से नाइट ड्राइव करना काफ़ी डरावना अनुभव रहा। तो मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिए, आप पूरा वीडियो स्किप कर मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, काफ़ी मज़ेदार वीडियो बना है और नाइट सफारी का आप आनंद लीजिए। दोस्तों, मैं इस समय वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के तीसरे रेंज मंगुराहा में हूँ। मंगुराहा वन क्षेत्र है और हम सफारी कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमें डियर्स तो दिखे, टाइगर के पग मार्क्स काफ़ी दिखे और लेपर्ड का भी एक जगह अंदेशा हुआ, शायद था भी, पर जब तक दिख ना जाए या कैमरे में ना आए तब तक कह नहीं सकते कि क्या है। अभी देखिए, हम पिछले वीडियो के बाद से आगे बढ़ रहे हैं, सेम सफारी है और अभी भी हम ढूंढ रहे हैं लेपर्ड, भालू, टाइगर, कुछ भी दिखे। और अभी समय एकदम उपयुक्त है, अंधेरा घिर रहा है और देख सकते हैं कितनी शांति है यहाँ जंगल में। यहाँ पे पिछले वीडियो में हमने जाना कि ये जो है ये ढोल का एरिया है, जंगली डॉग जिसको कहते हैं, वाइल्ड डॉग्स। हाँ, ये ढोल ही बनाया है क्या? भालू किया है सर वाला। अच्छा, ये वाला, ये हम देख सकते हैं ये भालू द्वारा निर्मित गड्ढा है। तो ये क्या करता है भालू यहाँ पे गड्ढा बना के? गड्ढा बनाते नहीं है एक्चुअली सर, वो अपने भोजन की तलाश में उसको खोदते रहते हैं। अच्छा, दीमक वगैरह, कीड़ा वगैरह, कुछ भी, जो भी कीड़े के जो बिल होते हैं ना सर, उसको खोदते रहते हैं। अच्छा, ये ढोल, जंगली ढोल जो बोलते हैं, जंगली कुत्ते, उनका एरिया है और उनके बारे में मैं बता दूं कि जब वो झुंड में शिकार करते हैं तो टाइगर भी उनका रास्ता छोड़ देता है। और आपने डिस्कवरी चैनल पे एक वीडियो जरूर देखा होगा जहाँ एक बाघ जो था वो बूढ़ा हो गया था, काफ़ी कमज़ोर हो गया था, बाघिन थी इनफैक्ट, और उसका जो था शिकार कर लिया था वाइल्ड डॉग्स ने। अच्छा, बार्किंग डियर दिखाया हमें, देखते हैं इसमें आ जाता है। काफी छोटा सा जानवर होता है, काफी फुर्तीला होता है दिखने। ये सभी जानवर को अलर्ट करते हैं, अलार्म कॉल करते हैं। दिख नहीं रहा, शायद अंदर चला गया। ये जंगल में एक प्रकार का सीआईडी का काम करता है सर। हाँ, पर एक दिक्कत है बार्किंग डियर के साथ कि छोटे जानवर, मांसाहारी जानवरों को देख के भी वो अलर्ट कर देते हैं, डर हो जाएगा सर। हाँ, तो टाइगर की सियोरिटी नहीं होती है कि टाइगर ही है वो, कुछ किसी एक लोमड़ी को भी देख के वो बार्क करते हैं जब वो। अगर लगा, हाँ, तो बहुत दूर से वो भोक भोक मतलब करके ये करता, अलार्म कॉल करता है और काफी देर तक बोलता रहता है। तो कई बार तो हम ट्रैकिंग हमने किया है और उसके चक्कर में भटक भी गए हैं और टाइगर हमें दिखा भी नहीं, तो बहुत ज्यादा भरोसेमंद नहीं होता। अच्छा, बार्किंग डियर से आप लोगों को टाइगर दिख गया है? लेपर्ड का भी बहुत बढ़िया से वीडियो बनाए थे। हाँ, वहाँ के पहाड़ में। हाँ, साथ में ड्राइवर साथ में थे। अच्छा, एक चीज बताइए, यहाँ पे कॉल जैसे अदर जंगल में बहुत होता है, जैसे अभी चालू हो जाता है, यहाँ पे बहुत कम दिखता है हमको पूरे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। जैसे स्पॉटेड डियर का कॉल आता है, कू कू करके जो आता है, तो वो बहुत कम सुनाई देता है ऐसे अभी। हाँ, टाइगर जब चलता है तो आवाज आए। ये कुलरबाना एरिया है ना, तो जैसा कि हमारे हेड साहब बता रहे हैं कि इस एरिया में टाइगर की साइटिंग होती है। जी हाँ, एक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के साथ एक दिक्कत है कि पहले ये नक्सल प्रभावित इलाका था, तो
जानवरों का शिकार बहुत ज्यादा हुआ, तो टाइगर तो काफी कम हो गए थे जब तक इसके पहले, जब ये टाइगर रिजर्व घोषित नहीं हुआ था तो। और टाइगर्स या किसी भी जानवर ने एक ये कर लिया था कि ये क्या है, अच्छा हाँ वो पोचिंग को रोकने के लिए एक कैंप बनाया गया। और यहाँ सामने मंकी पेड़ पे है तो पेड़ से पत्ते गिरा रहे हैं सर डियर के लिए। और हाँ डियर, डियर को वो हेल्प भी करते हैं। एक बड़ा अच्छा इनका है मंकी और डियर का नेचुरल फ्रेंडशिप कह सकते हैं। हाँ नेचुरल फ्रेंडशिप कह सकते हैं। मंकीज जो है पत्ते गिराते हैं डियर के लिए और डियर को बचाते भी हैं, डियर भी अलार्म कॉल करते हैं, तो एक दूसरे पे निर्भर है टाइगर से बचाव के लिए। तो मैं बता रहा था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में नक्सल प्रभावित इलाका था तो शिकार काफी हुआ। और यहाँ जो जो था ये टाइगर का शिकार स्पेशली चाइना वाले काफी डिमांड है उनका, उनके नाखून वगैरह का या अन्य चीजों का, तो चाइना सप्लाई होता था। तो यहाँ के जो जानवर है 30-40 साल से उन्होंने आदत बना लिया है कि वो केवल रात को ही निकलते हैं और दिन को एकदम मूवमेंट नहीं रहता, लगता है कुछ है ही नहीं। ये शुरू से ही है और अब जाके थोड़ा सा बचाव हुआ है, टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है तो ये जाके अब थोड़ा मूवमेंट देखने को भी मिलता है। अभी एक तो बार मंकी ने कॉल किया है, और हम थोड़ा वेट कर रहे थे यहाँ पर, कुछ ऐसा समझ में नहीं है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ पूरा गिर चुका है। ये डियर हम देख सकते हैं जो कि सामने क्रॉस कर रहा है, ये डियर ये अंधेरा हो चुका है जंगल से, ये देख सकते हैं कैसे अंधेरा हुआ है। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में हम सफारी कर रहे हैं, ये बाइकिंग डियर भागा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ दिख जाए हमें, अंधेरा हो गया है और देखते हैं। जैसा कि यहाँ के जानवरों का नेचर है अंधेरे में ज़्यादा निकलते हैं, तो कोशिश है हमारी कुछ दिखे। यहाँ पे राइनो नेपाल की तरफ से आ जाते हैं तो राइनो भी कई बार दिख जाते हैं। राइनो तो आ ही जाते हैं अगर लक अच्छा रहा तो, राइनो दिख जाते हैं। और अपने श्री निधि सिद्धांत लंकार की डीसी में मैं थोड़े से ब्रीफ में सुना देता हूँ, जो कि हिंदी साहित्य के जिम कॉर्बेट भी कहे जाते हैं।
वो इस जंगल में भी आ चुके हैं। ये थोरी का जंगल, भिकना थोरी का जंगल करके उन्होंने उल्लेख किया है। उनकी बुक है एक सूखे सुनसान नालों में, तो उसी की स्टोरी है। वो बताते हैं जैसा कि स्टार्ट करते हैं अपने इस कहानी में कि नील गाय है कहाँ पे है, नील गाय का मेल नहीं होता है, इसका सिंग टूटता है। अच्छा, नील गाय का एक ही बार सिंग टूटता है, एक ही बार होगा उसका, उसके बाद दोबारा नहीं निकलेगा। और डियर का है सर एंटीलोप होता है, उसका एक बार टूटने के बाद हर साल में निकलते रहते हैं। जब नया उसका निकलता है, जब सिंग उसका वॉल्वेट लेकर निकलता है सर, क्या करते हैं फीमेल के जीन अलग रहते हैं सर। अलग रहने का कारण है सर कि उसका धीरे धीरे वो क्या करती है सामने से मिल गई है ना ना सॉरी डियर थे थोड़ा सा। हाँ जरा ये देखिए डियर, स्पॉटेड डियर है। चलिए तो मैं स्टोरी सुना रहा था श्री निधि सिद्धांत लंकार सूखे सुनसान नालों किताब से। और निधि जी जो थे मालवा के जंगल में घूम रहे थे, तो उनके दोस्त आनंद जो कि डॉक्टर थे, उनका टेलीग्राम आया। उस समय आज से 40-50 साल पहले तो टेलीग्राम ही आता था कि जल्दी से तुम दिल्ली वापस आओ, कुछ तुम्हें बताना है। ये फिर ये दिल्ली आए तो पता चला एक साधु थे भवानंद करके, जो कि इसी की तरफ इसी तरफ के थे। तो उन्होंने बताया उनको कि भिकना थोरी जो कि बिहार में है, और वहाँ के जंगलों में मैं आपको गेंडा दिखाऊंगा। तो निधि जी भी एक बार गए थे चितवन नेशनल पार्क, क्योंकि ये जो जंगल है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये चितवन नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है। चितवन में गेंडे हैं। तो निधि जी ने क्रॉस क्वेश्चन किया कि भाई चितवन में तो गेंडे हैं, पर भिकना थोरी बिहार में, इंडिया में कहाँ से गेंडे आएंगे। और वहाँ पे काफ़ी अभी नेपाल सरकार काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है, तो गेंडा तो देखना मुश्किल है। पर इन्होंने आश्वासन दिया भवानंद जी ने कि भाई गेंडे दिख जाएंगे आपको, कभी कभी नेपाल से भटक के आ जाते हैं। फिर इन्होंने अपना रसद वसद बांधा और दिल्ली से ट्रेन से पकड़ के बिहार का नरकटियागंज जो टाउन है, बेतिया मतलब इसमें पड़ता है, बेतिया पश्चिमी चंपारण का जो मुख्य शहर है, मुख्यालय है, वहाँ से उसकी दूरी जो है लगभग 60 किलोमीटर के आसपास है। तो नरकटियागंज ट्रेन से डायरेक्ट आए वो लोग, छोटी लाइन की ट्रेनें उस समय चलती थी। उसके बाद वो वहाँ से लगभग 30 किलोमीटर भिकना थोरी पहुँचे, और जब तक पहुँचे तब तक वो अंधेरा इसी टाइप का हो गया था, और उन्होंने एक नाले में अपना टेंट गाड़ दिया। और फिर रात को उन्हें समझ में आ गया कि कितना भयंकर ये जंगल है। रात को काफ़ी जानवरों का मूवमेंट रहा, कभी टाइगर की दहाड़, कभी हाथियों की आवाज़। और मैं आपको बता दूं, हाथी ऐसे इसमें प्राकृतिक रूप से यहाँ नहीं पाए जाते, पर गेंडों की तरह ही हाथी भी यहाँ भटक के आते हैं। और भिकना थोरी में तो लास्ट ईयर आया भी था हाथी, काफ़ी उसने तहस नहस किया था, तो हाथी भी आ जाते हैं। तो निधि जी बताते हैं कि रात को काफ़ी जानवरों का चहल पहल रहा, दिख नहीं रहे थे, पर जैसे अभी भी अगल बगल हमें लग रहा है कि जानवर हैं, सारे हैं, पर दिख नहीं रहे। तो सुबह हुई और इन्होंने खोजना चालू किया कहीं गेंडा दिखे। इन्हीं जंगलों में वो ढूंढ रहे थे, भिकना थोरी के ही जंगलों में जहाँ अभी हम हैं। तो पूरा दिन घूमते रहे, पर कहीं उन्हें सांभर डियर और स्पॉटेड डियर जैसे हमें दिख रहे हैं, उसके अलावा ज़्यादा कुछ दिखा नहीं। भालू के पगमार्क्स वगैरह दिखे, और गेंडे का कुछ अता पता नहीं चला। नेक्स्ट डे हुआ क्या कि भवानंद एक साधु थे, तो यहाँ पे इन इलाकों में उनका काफ़ी प्रभाव था। तो कहीं से किसी जो जमींदार थे, उन्होंने एक हाथी भेज दिया, ये हाथी से आप लोग ढूंढिए। तो अगले दिन का जो था वो बहुत अच्छा रहा उनका, और हाथी पे सारा सामान वामान रख के और वो बैठ के खोजने निकले गेंडे को। और बीच जंगल में फिर एक जगह पहुंचे तो भवानंद चिल्ला उठा कि भाई आज तो सफल हो गया हमारा। तो निधि जी ने पूछा क्या हुआ, तो उसने पग फुटप्रिंट दिखाया गेंडे का, राइनो का, और फुटप्रिंट ताज़ा भी था काफ़ी, और एक नर गेंडे का था जो कम से कम 12 फुट लंबा रहा होगा।
और अगल बगल ही कहीं था, फिर वो लोग वहीं पे बैठ के उस नाले में उन्होंने खाना खाया और उसी हाथी पे चढ़ के फिर वो ढूंढना चालू किया। थोड़ी दूर ही आगे उन्हें खाने की आवाज़, चटर चटर टाइप की आवाज़ सुनाई दी। भवानंद को दिख गया गेंडा, वो एक स्लेटी कलर का गेंडा था और जो पेड़ था उससे काफ़ी मिलता जुलता दिख रहा था। कोई अगर ध्यान से ना देखे तो वो गेंडा समझ में भी नहीं आ रहा था। तो काफ़ी देर तक वो लोग देखते रहे गेंडे को, पर थोड़ी देर बाद गेंडे ने सर उठा के इन्हें देखा और पता नहीं अचानक क्या हुआ। अभी आप देखेंगे पिछले साल एक वीडियो वायरल हुआ था, ये बक्सा टाइगर रिजर्व का था, वेस्ट बंगाल का, कि एक गेंडा दौड़ा रहा है और एक जिप्सी के पीछे काफी तेज दौड़ रहा है और लोग भाग रहे हैं। एक गेंडे का और वायरल हुआ था, नॉर्थ ईस्ट का ही गेंडा अटैक करता है। तो गेंडे क्या होते हैं, बहुत आक्रामक हो जाते हैं। एक बार दुधवा टाइगर रिजर्व में भी ऐसा ही हुआ था, हाथी पे सफारी हो रही थी और गेंडे ने अटैक किया, लोग हाथी पर से गिर गए, पर पेड़ पे चढ़ना जानते थे तो पेड़ पे चढ़ गए और कैजुअल्टी नहीं हुई। तो गेंडा खतरनाक हो जाता है, सेम चीज यही हुआ नीरज जी के साथ, और गेंडा हाथी को देखने के बावजूद भी उनकी तरफ दौड़ा। हाथी ने कभी गेंडा देखा नहीं था और उसे लगा ये कौन सा जानवर है, और हाथी भी जो था वो तेजी से पलट कर पीछे की तरफ भागा और पीछे पीछे गेंडा, आगे आगे हाथी, और ये लोग पीठ पे बैठे हुए थे और इन्हें डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी पेड़ से टकरा के गिर जाएं। पर एक चीज़, हाथी समझदार था और वो पेड़ों से थोड़ा दूर हट के दौड़ रहा था, पर हाथी तेज था और काफ़ी दूर जाने के बाद वो उसने पीछा करना छोड़ दिया। तो निधि जी का जो ये संस्मरण है गेंडे की खोज सूखे सुनसान नालों किताब में, तो यह मैंने सुनाया। अच्छा, ये जो नदी देख रहे हैं ये कौन सी नदी है, वही पंडई, पंडई नदी ही है जो शुरू में हमने बताया था, उस पर नेपाल है। और ये कल हम यहाँ भी आएंगे थोड़ी और यहाँ का एरिया देखने, तो उस समय कल मैं वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में कुछ बताऊंगा। तो यहाँ से हमें अब रिटर्न होना है। तो अभी मैंने आपको श्रीनिधि जी की एक स्टोरी सुनाई और अब हम फिर आगे बढ़ते हैं, अंधेरा काफ़ी हो चुका है। नाइट सफारी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे इंतजार है टाइगर की दो जलती आंखों का, वो दिख जाए। कौन सा, ये व्हाइट वाला है? जी, आसन ट्री है। वही देख रहे हैं, वो व्हाइट व्हाइट दिख रहा होगा। हाँ, ये आसन ट्री, इसको बोलते हैं। तो ये मतलब क्या कर रहा है इसको, मतलब नेचुरली है सर, इसका लगता है कि चूना कला किया गया है। जंगल की निस्तब्धता को फील करिए आप। दोस्तों, टाइगर के लिए कितना हम रिस्क लेते हैं और कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, पर आप समझिए टाइगर का दिखना बहुत ही मुश्किल होता है। और देखिए कैसा,
पर जो ढूंढने में जो ट्रैकिंग में जो मजा है वो शायद हर किसी को महसूस नहीं होगा, जो फील अभी हो रहा है मुझे, क्योंकि वो तो 200 मीटर अंदर भी हो सकता है टाइगर क्रॉस कर रहा हो, इधर उधर भी हो सकता है। और ये नील गाय अभी देखिए कैसे भाग रहा है, अभी आपने देखा नील गाय भाग रहा है। एंटीलोप है ना ये, और दुनिया के सबसे बड़े हिरनों में आता है। लोग कहते हैं नील गाय के बारे में कि हिरन नहीं है गाय है, पर ये गाय नहीं होता, देखने में गाय जैसा लगता है पर गाय होता नहीं। और सांभर डियर से भी ऊपर सबसे बड़ा डियर है ये, डियर प्रजाति का। कितना अंधेरा, अभी एक ग्रासलैंड रेडी करेंगे तो काफी डियर यहाँ आएंगे और टाइगर भी आएगा उनके पीछे। चंद्रमा निकल गए। हाँ, अभी काफी सुंदर पेड़ पौधों का स्मेल आ रहा है। और ये सब फल है सर, ये वाला देख रहे हैं। हाँ अच्छा, भालू का भी आंख तो चमकता होगा जी सर, रात को तो भालू का भी आंख चमकता होगा जी, चमकता है। वो टॉप दिख रहा है सर, वो इंडियन नेपाल का बॉर्डर है। अच्छा ये, अच्छा इस तरफ पहाड़ जो दिख रहा है हमें वो इंडो नेपाल बॉर्डर है। झिंगुर की आवाज हम सुन सकते हैं। ये तो देखें कैसा अंधेरा हो रहा है, देखिए अंधेरा कैसे, कितना भयानक जंगल। जो डर महसूस कर हो रहा है वो मैं ही बता सकता हूँ। चलिए जला दीजिए। ग्रासलैंड यहाँ पे डेवलप हो रहा है और ग्रासलैंड डेवलप होने से लेपर्ड या टाइगर के लिए आसान हो जाता है शिकार करना। और देखिए ये देखिए स्पॉटेड डियर दौड़ रहा है, स्पॉटेड डियर है ये देखिए। शिकार तो है पर शिकारी कहाँ है।
पहाड़ी नाला है। क्या है स्पॉटेड डियर है, स्पॉटेड डियर इसका निकल रहा है, बॉल बट निकल रहा है। छोटे वाले हैं ये सब ग्रुप, वो बड़ा है झाड़ी से डर रहा है। अच्छा ये जो लाइट जल रहा है ये क्या है? अच्छा वही जो आए थे बन रहा है। टाइगर इधर दिखता है कि नहीं? इधर इनको तो दिख ही जाता होगा। हाँ ये लोग को दिख जाता है टाइगर। हाँ लोग पता है सर, हाँ हैंडपंप का पानी नहीं पीते हैं इधर, आर्टिजन वेल है जो पानी गिरता है ना, हाँ वो वाला पानी पीते हैं। अच्छा हैंडपंप का नहीं पीते हैं। हाँ, तो पहाड़ से रिसकर पानी आती है, हाँ हाँ और उसमें खो बना दिया गया है और उसके मेरे पानी का जो मिट्टी का लेवल होता है ना सर, थोड़ा सा ऊपर लगा दिया पाइप और उसी के ऊपर से लोग निकाल कर पानी पीते हैं। औषधीय पानी भी हो जाता है, नेचुरल फिल्टर होता है लोग। सोफा मंदिर के बगल में आ गए सर। ये रूट यही था ना जिस से आए थे? वो जो लाइट जल रहा है वही हमारा रेस्ट हाउस। अच्छा वो मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है सर। हाँ इस पे ऊपर हम लोग गए हैं एक बार, हाँ कल चलेंगे एक बार। दो जगत नीचे प्राचीन का है सर। हाँ उसके बाद आता है तो वो जा रहा है सर ऊपर 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 चला गया। फ्लाइंग स्क्वायरल अभी हमें दिखा पर मिस कर गया। अच्छा उड़ते हुए गया है फ्लाइंग स्क्वायरल, कोशिश करते हैं देखने की। फ्लाइंग स्क्वायरल है उड़ती लहरी, काफी फास्ट थी, मतलब मैं नहीं मिलेगी अब भी मिलेगी उड़ेगा ना, उड़ेगा इधर से उधर इंडिया में गया और नहीं मिलेगी। इसमें आया एकदम इधर से, इस पे ऐसे इधर से चिपक कर से इधर चल तो रहा है कुछ। स्क्वायरल हमने देखा पर कैमरे में नहीं आया। यहीं पे तो मंकी बोल रहा था ना, अलार्म कॉल दे रहा था।